आ गई आ गई। चले जाते पांच साल निकाले हमें पांच साल। हेलो एवरीवन व्हाट्स अप माय नेम इज शेम। बैठो ना यार चुप थोड़ा लूट के दूंगा। हेलो एवरीवन व्हाट्स अप माय नेम इज हाइड्रोफ्लो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो भाई साहब हम लोग जब लोनावला से वापस आए तो अलग अलग स्टोरीज सुनने में आ रही है और हम लोग को भी वहाँ पे फील हुआ था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो विला पता नहीं हॉन्टेड था शायद थोड़ा सा। हाँ तो कुछ ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए वो टाइम पे हम लोग ने इतना नोटिस नहीं किया, किए थे वो टाइम पे भी, बट आने के बाद रियल स्टोरीज मालूम पड़ी है। सीन एक हुआ था सबसे बड़ा जो हुआ जिससे हम लोगों पक्का हो गया कि हाँ कुछ तो था, वो था नेहा के साथ। वो सीन ये था कि नेहा, हम लोग सब नीचे बैठे थे तीनों और नेहा ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे उसकी मम्मी से बात कर रही थी, मतलब इसकी भी मम्मी होगी तो ऑब्वियसली तो वीडियो कॉल पे आंटी ने बोले कि पीछे से कौन गया ब्लैक हुडी में और वो चिल्लाते हुए नीचे आई। तो आंटी को समझ गया कि वो अकेली थी और पीछे उन लोग उसके साथ कोई है नहीं, तो वो डर गई है रियल में। तो आंटी ने मस्ती में ले ली कि बोले मैं प्रैंक कर रही थी, मस्ती कर रही थी, ऐसा कुछ है नहीं। जब हम लोग वापस आए तो आंटी ने बताया कि पीछे सच में कोई दिखा था। क्या हो सकता है उधर कुछ रियल में हुआ रहेगा? सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी कुछ ना क्या कुछ हुआ था, ऋषि के साथ भी कुछ। बाकी सच बोलूँ तो वो हम लोग का जो बेड था उस उधर एक स्टेयर थी, तो मैं इन लोग सब नीचे मस्ती करते थे तो मैं सो रहा था, एडिटिंग कर रहा था, मेरे को ऐसा लगता था नीचे से कोई आ रहा है ऊपर स्टेयर से। ऐसा हुआ था कि मेरे को, हम लोग नीचे बैठे थे, मैं ऋषि और नेहा नीचे बैठे थे और इतनाल ऊपर शायद एडिटिंग कर रहा था। तो हम लोग कुछ 3:30 बज रहा था, तो मेरे को बार बार लग रहा था कि कोई खड़े रह के देख रहा है स्टेयर पे। तो मेरे को बार बार ऐसा लग रहा था कि इतना, तो मैं 4-5 बार ऐसे देखा बट कोई नहीं था। और दूसरी बार मेरे को बहुत बार ऐसा लगा मेरे को कोई सीढ़ी से पुश कर रहा है। और नेहा के साथ वो भी तो हुआ, उसका कैमरा। हाँ वो नेहा, मैं उसको बोला था नेहा नीचे से मेरा कैमरा लेके आना, नीचे रखा है। तो वो नीचे से लेके आ रही थी तो कैमरा ऐसा पकड़ के, तो उसको ऐसा हुआ कि उसका हाथ कैमरे के साथ कोई ऐसा खींचा, ऐसी हो गई थी वो। बट पता नहीं यार तेरे साथ कुछ हुआ है। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने, हम लोग ने सामान ऑलमोस्ट पूरा, एक नीचे एक और रूम था, हम लोग 4 या BHK था कुछ तो था, तो बहुत सारे रूम्स थे, अब सब यूटिलाइज करना था। तो हम लोग सब अपने अपने रूम में अपना सामान रखे थे, चीजें थी वो हम लोग ने नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रखी हुई थी एक रूम में। तो मैं रेडबुल लाया था, फुल नींद में था, तो मैं बोला चलो अभी लैपटॉप ले लेता हूँ, एडिटिंग करना है मेरे को। तो मैंने मेरे अंदर वो एक रूम में टेबल पे मैंने रेडबुल रखी थी, अब जो कि पता नहीं मैंने खुद पे डाल दिया। और जब मैं ढूंढ के पूरा वापस आया तो मेरे को रेडबुल ही नहीं मिल रहा है, फिर देखा तो बाहर के टेबल पे पड़ी है। सीन्स थे वहाँ पे और वो मैंने किया, कुछ तो ऐसा अंदर से फीलिंग आ जाती है कोई जगह पे जाने के बाद कि हाँ यहाँ कुछ नेगेटिविटी है। वो चीज़ हम लोग के साथ हुई वहाँ पे, कहीं हो सकता है उज्ज्वल ही तो नहीं था, छुपके से आगे रहेगा अपने साथ। हाँ उज्ज्वल डार्क पर्सन, यू आर ए रियली डार्क पर्सन, बट यू नेवर नो। हम लोग का जो लास्ट व्लॉग है मेरा, ऋषि का और इसका भी आएगा लोनावला व्लॉग, उसको ना अच्छे से देखना। बैकग्राउंड में कुछ दिख रहा था, दिखेगा ना तो कमेंट में बताना है कि हाँ उसके ये टाइम पे पीछे कुछ दिखा, ठीक है? ढूंढना कुछ। हाँ और नहीं मिला तो अच्छा है, नहीं ठीक है, हम लोग ऐसे एडवेंचर करते रहेंगे। ऑल राइट, से तो वो सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ते, आप लोग को एक चीज़ बताना है। हो सकता है शायद हम लोग कोई ठंडी जगह पर जाए, पता नहीं, हाँ मैं कुछ प्रोमिसज नहीं कर रहा हूँ, बट मोस्टली ऐसा हो सकता है कि हम लोग कोई ठंडी जगह पर जाए। आप लोग गेस करो बस कहाँ हम लोग ट्रैवल करने वाले। तो उसके लिए हम लोग ने तैयारी चालू कर दिया है और आप लोग को तो पता है कि वहाँ पे कितनी ठंडी रहेगी, तो स्किन वो सब जो है बहुत ड्राई हो जाएगी। तो उसके लिए आई हैव गॉट समथिंग फॉर अस और आप लोग के लिए भी ये चीज़, क्योंकि ठंडी चालू हो गई है। दिस इज़ मामा अर्थ का कोको बॉडी लोशन विथ कॉफ़ी एंड कोको बटर, एंड दिस बॉडी लोशन वर्क्स लाइक मैजिक। इसको ऐसा लो और मल लो पूरा। So the skin is looking well moisturized and hydrated. And the best thing about all the Mamaearth products are it is chemical free and all natural. और ये हमारा इंडियन ब्रांड है, देश का प्रोडक्ट है, यूज़ करो। और बाहर के बहुत सारे प्रोडक्ट रहते हैं वो सब मत यूज़ करना, इंडियन प्रोडक्ट है इसको यूज़ करो। सो इफ़ यू वॉन्ट टू बाई दिस अमेजिंग प्रोडक्ट बाई Mamaearth, यूज कोड @ADRO20 फॉर 20% ऑफ एट Mamaearth.in. ऑल द Mamaearth प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन Mamaearth, Amazon एंड Nykaa. सो इफ़ यू वॉन्ट टू बाई दीज प्रोडक्ट्स द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, गो चेक, खरीदो और यूज करो। अरे भाई। सो गाइज, हम लोग को तो बैठने हो ही नहीं रहा है घर पे, मतलब एक लेवल होता है ना बोरियत की, वो हम लोग ने क्रॉस कर दिए। एंड में विशाल बोलता है नहीं अब नहीं बैठ पाऊंगा मैं, अब नहीं हो रहा है, और हम लोग को किसी से नहीं हो रहा है और ये केला खा रहा है। तो हम लोग निकल रहे शॉर्ट ड्राइव पे और रात के बज रहे हैं अभी, इट इज़ 3:00 इन द नाइट और इन द मॉर्निंग बाय द वे। और हम लोग अभी निकल रहे हैं थोड़ा वसई वसई साइड देखते हैं। या पवई जाना है क्या विशाल? चलो पवई,
वापस है सबके साथ। पवई में बहुत मजा आई थी हम लोग को जाने के लिए। पवई आई ड्राइव नो आई ड्राइव आते टाइम तू चला ले। नहीं आते टाइम तू चला ले। ये विशाल ने जो फर्स्ट डे जिस दिन आया था वो जो लिखा है ये वो है। बट मेरा हो चुका है यार वो। ये मैंने सेकंड डे लिखा था ये तो हो गया। और विशाल का भी ऋषि का भी सेकंड डे बस दो दिन लिखे हम लोग ने। दैट्स इट खत्म क्रेज खत्म। भाई मैं बोल रहा हूँ उसको चालू कर दे फिर से लिखना जरूरी है। क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया उज्ज्वल लिखा क्या टेंशन क्यों ले रहे तू सिंक क्या हो गया रे 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 अरे शिट ये ऋषि ने और बोलता है पानी का है यहाँ पे पानी में मच्छर रुकते ऋषि ने किया ये ऋषि ने कुछ सांबर अंबर फेंका है तूने किया ना ये तेरा भाई सुबह सुबह सांबर निकाल के खाके इधर ही छोड़ देता है पूरा घर वास मारता है कौन ये तेरा भाई सांबर तूने लेकिन जब उसको सांबर खाने होता नहीं है तो क्यों निकालता है अरे लेकिन सिंक में कौन डाला मेरा सवाल वो है क्यों बास मार रहा था गाइस डॉगी का अपडेट ये है मम्मा ये मम्मी डॉगी है हाय मम्मा और इसके बच्चे कहाँ हैं इसके बच्चे देखो यहाँ सो रहे और ये कितने बड़े हो गए हैं आप लोग ने देखा रहेगा मेरे व्लॉग में पहले कितने छोटे छोटे से थे कितने बड़े हो गए सब चारों एक साथ सो रहे थे वो और वो जो वाइट वाला है उसको कुछ इंजरी हो गया था सॉरी सॉरी मम्मा सॉरी देखो मम्मी कैसी आ गई है इसकी राइट सो मैं उज्ज्वल को मना रहा हूँ कि मेरे वीडियो के लिए हॉट चिप खा ले उज्ज्वल देख ज़्यादा कुछ नहीं होएगा एक दिन तेरा बर्बाद होएगा बस अरे तो देख 10-15 मिनट की जलन होगी उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा सर ठीक है भाई बोल दे अभी व्लॉग जानना चाहता है कि तू करेगा कि नहीं चेंज हो गया ब्रो ये सब था ही नहीं था पहले हां ना यार ये नॉस्टैल्जिया हो रहा है एकदम से सही में आ गई चलो जाते 5 साल निकाले हैं हमें 5 साल खुद के जाते के अंदर चलो गाड़ी कहीं पार्क कर दे ये देखो दिस इज ठाकुर विलेज एंड दिस इज आवर कॉलेज ठाकुर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स अपना मेन गेट यहाँ से घुसने नहीं देते थे यहाँ से घुसने देते थे वहाँ से निकलने नहीं देते यहाँ से निकलने नहीं देते थे सर एंट्री होता एग्जिट ये था एंट्री और पीछे जो गया वो था एग्जिट और ये है हमारी कॉलेज और यहाँ पे इतनी सारी मेमोरीज है ना हम लोग की मतलब हम लोग ने यहाँ पे 5 साल निकाला है 5 साल क्या बोलते वो इडली मेंदू वड़ा वहाँ अरे हाँ भाई वो वहाँ पे वो कॉर्नर पे इडली मेंदू वड़ा वाला था ओ भाई बेस्ट वहाँ का जो था हम लोग पागल जैसा खाते थे दो दो प्लेट मुझे बहुत नॉस्टैल्जिया हो गया यार मेरे को ये कॉलेज देख के मैं बहुत भाई तुम लोगों को मालूम है कि नहीं अपने को वो लेने आना है अपना डिग्री लेने आना है डिग्री कॉलेज में पढ़ी है और ऋषि विशाल तेरी है ही नहीं ना डिग्री है नहीं है बेचारी आ गई है हम तीनों की डिग्री है तीनों की डिग्री है कॉलेज में से लेना है कुछ है ही नहीं हमारे पास भाई देवे भाई मजा आ गई कॉलेज देख के वी आर नॉट ग्रेजुएटेड येट मतलब वी आर ग्रेजुएटेड बट किसी को बता नहीं सकते कि हमारे पास है डिग्री है क्या तेरे पास कुछ डिग्री डिग्री ना ब्रो नहीं है ना दसवीं फेल है ना तुम तो गाइस ये छोटा गेट दिख रहा है आपको वहां पे हम ये वाला गेट दिख रहा है छोटा वाला ये छोटा गेट का तो हम अगर लेट हो जाते तो और हमें बचना रहता था और आईडी कार्ड नहीं रहता तो हमें बचना रहता कि हम लेक्चर में फट से पहुंच जाए क्योंकि यहाँ से सीढ़ी थी हमारी क्लास की तो हम यहाँ से भागते थे छुप के भागते थे और वॉचमैन भी खड़ा रहता था यहाँ बाहर बट उसको ना हम लोग घुस के भाग जाते थे यहाँ से आईडी कार्ड भूल जाते थे या हम लोग लेट हो जाता तो अंदर घुस नहीं देते थे ये गेट था हमारा ये सेवियर था हमारा ये गेट से हम लोग कितना मोस्टली तो यही से घुसते थे कितनी बार तो बिना आईडी कार्ड के घुसने ही नहीं हम लोग झगड़ा करके आते थे कितनी बार उन लोगों ना इधर उधर दिखा के भाग जाते थे अंदर आईडी नहीं पहना बोल के फाइन भरा है फाइन पकड़े बहुत भरे फाइन मैंने कभी नहीं भरा मतलब भाग आईडी कार्ड के लिए फाइन भरूंगा तूने भरा है क्या मैं तो लड़ाई किया हूं मालूम है वॉचमैन से लड़ाई किया मैं वॉचमैन से तो कितनी लड़ाई हुई मतलब वॉचमैन पे मैं ऐसे क्या निकल जाती है ना हमारे टीचर से ज्यादा ना फुल वट में रहते थे हमारे वॉचमैन हां उन लोगों का तो अलग ही वट उन लोगों को तो ऐसा था कि उनका कॉलेज है बाकी जो भी हो बॉस मगर कॉलेज लाइफ जो थी ना
अभी हम लोग को जब मजा नहीं आता था कॉलेज जाना है यार, कॉलेज जाना है, बट अभी रिग्रेट करते हैं हम लोग कि हम लोग ने लास्ट ईयर कॉलेज नहीं आए। लास्ट ईयर हम पूरा कॉलेज ही नहीं आए, हम दो से तीन दिन गए बस। चलो पुलिस वाले आ जाएंगे रात के तीन साल आ चुके हैं, निकलते हैं। ये था हमारा छोटा सा कॉलेज टूर बाहर से, और किसी दिन मौका मिला तो अंदर से भी बनाएंगे ब्लॉग, बताएंगे अंदर से हमारी कॉलेज, जो टीचर्स और सर हम लोग को पहचानते थे जो अच्छे थे हमारे साथ, उन लोग से भी मिलवाएंगे आपको। हाँ यहाँ का यहाँ का मैक्सी हमारा अड्डा था। जो भी ठाकुर कॉलेज से देख रहा है ये वीडियो, रिलेट कर रहे हो कि नहीं, मैकडॉनल्ड्स यहाँ का, वहाँ का मेदू वड़ा डोसा। शाउट आउट टू यू गाइस, शाउट आउट टू ठाकुर कॉलेज की पब्लिक। ठाकुराइट्स रुक जा बंदा, हिलाना मत। ऑलराइट, सो कल रात में घूम के आने के बाद, वो कॉलेज का टूर वूर कराने के बाद हम लोग सो गए, एंड इट्स द नेक्स्ट डे, और मैं अभी ये वाले घर पर आया हूँ खाना वाना खाने के लिए। वो सब तो ठीक है, मेरे पास एक सरप्राइज है तुम लोग के लिए। क्या? हाँ? क्या चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। मैं नहीं दूंगा। क्या चाहिए तुम लोग को? क्या ऐसा कुछ कुछ चाहिए, कुछ चीज ऐसी जो तुम लोग को चाहिए, बहुत टाइम से तुम लोग मांग रहे हो, क्या है? टैप? टैब तो नहीं है लाया, टैब नहीं, बहुत महंगा है वो, नहीं मैं नहीं दे सकता। तो जिब्रान मामा ने, जिब्रान मामा बाय द वे मेरे बड़े भैया, बड़े भैया जिब्रान खान, उन्होंने क्या भेजे पता है तुम लोग के लिए? सऊदी से क्या भेजे? ये देखो क्या है, ये टैब, टैब वो तुम लोग का नहीं है, सॉरी ये तुम लोग का नहीं है, नहीं, ये वो नीचे वाले तुम लोग के फ्रेंड्स है ना, तुम लोग के लिए नहीं, तुम लोग के लिए नहीं है, तुम लोग मस्ती करते, तेरे को तो बोर्डिंग स्कूल में डालना है, मेरे को फॉर्म भरू, तेरे को तो बोर्डिंग स्कूल में डालना है, और तेरे को मैंने वो पीरियड दे के रखा हो एक हफ्ते का, इसमें अगर तू नहीं सुधरा तो तेरे को भी बोर्डिंग स्कूल में डालूंगा, और ये तुम लोग का नहीं है, ये नीचे वालों का है। क्या नाम है उसका? जसपाल, हसराज, क्या क्या नाम है उसका? जसराज, जसराज उसका है ये, मैं दे के आ रहा हूँ उसको, नहीं नहीं मैं दे रहा हूँ, और ये टैप के लिए लड़ेंगे आपस में, साथ में बैठ के खेलेंगे, इसमें जो भी देखेंगे साथ में बैठ के देखेंगे, मेरे को अगर झगड़ा मिला तुम लोग दोनों का इसमें तो देखना क्या करूँगा, और जिब्रान मामा को थैंक यू बोलो वहाँ पे, जिब्रान मामा थैंक यू, नाइस गुड जॉब। चालू कहाँ से होता है भैया? मेरे को इधर कहाँ भाग रहा तू, मेरे को झगड़ा दिखा तुम लोग का इसकी वजह से, पट्टे से सूटूंगा पट्टे से, ठीक है चलो गेट लॉस्ट। तो मेरी जिंदगी तो आधी खत्म होती है, वो घर से ये घर, ये घर से वो घर, वो घर से ये घर, ये घर से वो घर। अभी मैं जैसे यहाँ था, फिर वहाँ गया खाना वाना खाने के लिए, उन लोगों को टैब वैब दिया, वापस यहाँ पे आ गया हूँ। और वन मोर थिंग, ये इसने कुछ तो लेके आया है, दिस इज Canon M50 Mark II। ये देख के ना मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है, मेरा Mark I है यार। और ये गोरिल्ला पॉड और द रोड वीडियो माइक्रो, मैंने इसका अनबॉक्सिंग मेरे वीडियो में किया हो, पूरा बताया हो इसका ना। हाँ अभी इसमें फ़ोन भी लगा सकते हैं। हाँ सब लगा सकते हैं इसमें। अरे भाई इसका अटैचमेंट आया रहेगा तो फ़ोन लगेगा। हाँ अच्छे से मस्त लगेगा फिर। कॉन्ग्रेट्स, आपका व्लॉगिंग का सफ़र अच्छा रहे, शुरू होता है अब यहाँ से। ये सेटअप के लिए ना गाइज, ये जो सेटअप है, माइक, गोरिल्ला पॉड, कैमरा, ये जो कैमरा है ये M50, ये बजट में बेस्ट कैमरा फॉर व्लॉगिंग। ये सेटअप के लिए ना जो एस्पायरिंग व्लॉगर्स है, जो बनना चाहते हैं, वो मरते हैं कि ये सेटअप उन लोग को मिल गया ना तुम लोग। बट मैं हमेशा से मैं बोलता हूँ कि फॉर व्लॉगिंग द इक्विपमेंट्स आर नॉट ज़रूरी। आपके पास छोटा सा कैमरा है, छोटा सा मोबाइल है, उससे आप व्लॉग कर सकते हैं। द मेन थिंग इन द व्लॉग इज स्टोरी टेलिंग। मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं मोबाइल अभी एक मिनट रुक जा, मैं ऐसे ही करता हूँ। मेरा व्लॉग अभी भी फोन से ही शूट हो रहा है, और मैं अभी भी एक नया फोन ही ले रहा हूँ एग्जैक्टली मेरा व्लॉग शूट करने के लिए, ठीक है ना। द मेन थिंग अबाउट व्लॉगिंग इज स्टोरी टेलिंग। आपकी स्टोरी टेलिंग कैसी, आप अपने लाइफ को कैसे पोर्ट्रे कर रहे हो लोगों के सामने, वो सबसे मेन चीज़ मैटर करती है। सो दैट्स इट आई गेस, आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो, और अगर नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, जो भी करना है कर दो।
और अभी फट से देते हैं शाउट आउट। ऑलराइट, सो शाउट आउट टू निशिता पिपालिया एंड नूरुल हुदा, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग और ऐसे अपना प्यार बांटते रहो। अगर आपको भी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट चाहिए तो इट्स सिंपल, गो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सब्सक्राइब टू द चैनल और नीचे कुछ अच्छा सा कमेंट कर दो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। Chim chim chimmy, cause I'm nice, smooth, hard as a bone. Since I pick up the microphone, I'm hotter than brimstone. The razor sharp, crossbow accurate, and drop the multiverbal milligram supplement. Plus, and by the way, वापस भी जा सकता है। हाँ, सऊदी से आया ना, सऊदी वापस भी जाएगा। And by the way, क्या आप लोग को मेरी बहन चाहिए वीडियोस में? आएगी क्या? बोल, रेडी है? जनता जानना चाहता है। इंशाल्लाह। जल्दी जल्दी, बहुत जल्द, बहुत जल्द। अपने आप को तैयार कर रही है वो वीडियो में आने के लिए।